गाइज अगर आप किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी एक बेस्ट पीडीएफ एडिटर की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट पीडीएफ एडिटर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका यूज करके आप किसी भी पीडीएफ फाइल को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको वो सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत है। आप पीडीएफ में टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ में अपना वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, एंड इसी के साथ आप पीडीएफ को लॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी पीडीएफ को बिना पासवर्ड के कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पीडीनो पीडीएफ एडिटर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये पीडीनो पीडीएफ एडिटर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी पॉलिसीज को एग्री करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर होम पेज पर आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन पीडीएफ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको उस पीडीएफ फाइल को ओपन करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो पीडीएफ फाइल हमारी ओपन हो चुकी है, चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक पीडीएफ फाइल है जिसमें टोटल 36 पेजेस है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का एक अमेजिंग फीचर बताता हूँ। यहाँ पर साइड में आपको एआई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब ये जो टूल है आपके पीडीएफ को समराइज कर देगा, जिससे आपको पूरी पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप पीडीएफ फाइल को एडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जाना है। इसके अंदर आपको जो सबसे पहला फीचर मिलेगा वो है हाईलाइट करने का। आप अपनी पीडीएफ में किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आपको चूज करना है और जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं इस तरह से आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के बाद भी आप कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको जो फीचर मिलता है वो है अंडरलाइन का। अगर आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर चूज करना है एंड उसके बाद जिस तरह से आप हाईलाइट करते हैं उसी तरह से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपको ओवरलाइन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप लोग ओवरलाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने का एक और फीचर मिल जाता है जिसमें कुछ इस तरह से अंडरलाइन होगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो फीचर मिलता है उसका नाम है स्टिकर। इसके अंदर आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ये स्टिकर यूज करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं, इसकी साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो फीचर मिलता है वो है स्टैम्प का। इसके अंदर आपको काफी सारी स्टैम्प्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप किसी भी स्टैम्प का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टैम्प को यूज करके दिखाता हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं एंड आप लोग इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कमेंट के अंदर आपको जो नेक्स्ट फीचर मिलता है वो है आप रेक्टेंगल बना सकते हैं अपनी पीडीएफ के अंदर, सर्किल बना सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एरो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बनाकर दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं एंड उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी एडिटिंग है। अब आपको एडिट पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर गाइस आपको जो सबसे पहला फीचर मिलता है वो है एडिट ऑल का। इसके अंदर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एंड किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एडिट ऑल को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर मैं अब किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ और किसी भी इमेज को भी एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को एडिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आप कोई नया टेक्स्ट एड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप इमेज को कैसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इमेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप इमेज की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इमेज को रोटेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इमेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी दूसरी इमेज के साथ
एंड अगर आपको पीडीएफ से किसी भी इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज को एडिट कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को एडिट नहीं करना है और ना ही आपको किसी भी इमेज को एडिट करना है, आपको कोई भी नया टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो आपको टाइप करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स में जाना है। अब यहाँ पर आप इस टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी इमेज ऐड करना है तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको ऐड इमेज का ऑप्शन मिल जाता है जिस पर आपको क्लिक करना है और उस इमेज को आपको ओपन कर लेना है और इस तरह से आप किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। इमेज की साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है लिंक का। आप किसी भी इमेज या टेक्स्ट में अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको लिंक पर क्लिक करना है और ऐड लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी इमेज या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आप लिंक को ऐड करना चाहते हैं एंड उसके बाद आपको ओपन ए वेब पेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप किसी भी वेब पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं अपने चैनल का लिंक ऐड कर देता हूँ एंड उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कोई इस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो उसे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाई देगा और जैसे ही वो ओके पर क्लिक करेगा तो उसके सामने वो लिंक ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज या टेक्स्ट में लिंक ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो फीचर मिलता है वो है क्रॉप पेज। आप पीडीएफ में से किसी भी पेज को क्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरह से एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वो पेज क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो फीचर मिलता है वो है वाटरमार्क। आप अपनी पीडीएफ में कोई भी वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं एंड अगर आपकी पीडीएफ में कोई भी ऑलरेडी वाटरमार्क है तो उसे भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वाटरमार्क ऐड करके दिखाता हूँ। जो भी वाटरमार्क आप ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। आप वाटरमार्क का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप इसे रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का, तो इसे आपको थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पर हमने 30% कर दिया है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो फीचर मिलता है वो है बैकग्राउंड। अब यहाँ पर आप अपनी पीडीएफ में कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो गया है। इसकी अपीयरेंस आप कितनी रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं एंड अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी इमेज को ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट में आपको जाना है। अब यहाँ पर आप अपनी पीडीएफ फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर आपको मिलता है क्रिएट पीडीएफ। अब यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टू वर्ड। आप इस पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट कन्वर्ट पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो ये पीडीएफ फाइल वर्ड में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से आप अपनी पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है पेज। इसके अंदर आपको पीडीएफ के सभी पेजेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आपको किसी भी पेज की पोजीशन चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है इसे मैं तीसरे पेज की जगह रखना चाहता हूँ, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप किसी भी पेज को रोटेट कर सकते हैं एंड अगर आप किसी भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी पेज को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड आप अपने पेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इंसर्ट ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो पेज सिलेक्ट करना है जिसके बाद या पहले आपको पेज को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने तीसरा पेज सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद हम पेज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आफ्टर कर लूंगा एंड इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरे पेज के बाद में एक पेज इंसर्ट हो गया है। अब इसमें आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोटेक्ट में जाना है। अब अगर आप अपने पीडीएफ में पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इनक्रिप्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप दो तरीके से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एक पासवर्ड होगा ओपन करने के लिए, कोई भी बिना पासवर्ड के आपकी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, और दूसरा पासवर्ड होगा एडिटिंग के लिए, बिना पासवर्ड के कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आपको एंटर करना है एंड उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जब भी आप पीडीएफ को ओपन करेंगे
तो आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, उसके बाद ही आप पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी पीडीएफ फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आप किसी भी दो पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पीडीएफ तो मैंने पहले से ओपन कर रखी है और एक पीडीएफ को मैं और ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम मर्ज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप पेजेस में देख सकते हैं दोनों पीडीएफ मर्ज हो गई है। टूल्स के अंदर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कंप्रेस पीडीएफ, इसमें अगर आपके पीडीएफ की साइज ज्यादा है तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट का, यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जिस पार्ट को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको OCR का फीचर मिलता है। अगर आपकी पीडीएफ फाइल इमेजेस फॉर्मेट में है तो उसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था एक बेस्ट पीडीएफ एडिटर जिससे आप अपनी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।